ये देखो भाई यहाँ पर एकदम पास में डायनासोर है। ये देखो भाई, और ये देखो, ओहो भाई अब डायनासोर यहाँ पर मूव हो रहा है भाई। ये देखो, और जो इसके अंदर साउंड इफेक्ट निकल के आ रहे हैं ना भाई, बड़ा खतरनाक लग रहा है भाई, पूरा रियल लग रहा है भाई। ये देखो भाई, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है पूरे जुरासिक पार्क का भाई सबसे बड़ा डायनासोर जी। हे दोस्तों, मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हो मेरा प्यारा सा यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर बाय साहिल। गाइस, अभी आपने टाइटल और थंबनेल तो देख ही लिया और अभी आप मेरे पीछे भी देख रहे हो, तो ये है दोस्तों लखनऊ में बनकर तैयार हो चुका जुरासिक पार्क जी। हाँ दोस्तों, लखनऊ का पहला जुरासिक पार्क आपको देखने को मिलेगा एशिया के सबसे बड़े पार्क जनेश्वर मिश्र पार्क में, और इसकी जो भी एग्जैक्ट लोकेशन है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इस पार्क को बड़ी आसानी से घूम सकते हैं। तो अभी हम लोग चलने वाले अंदर की तरफ, और इसका क्या एंट्री टिकट और यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलेंगे, कितने हमको डायनासोर देखने को मिलेंगे और जो डायनासोर की प्रजातियाँ होती है वो हमको यहाँ पर कितनी देखने को मिलने वाली, और भाई अंदर की तरफ एक केव भी बनी हुई है। तो चलते हैं, आइए एक्सप्लोर करते हैं जुरासिक पार्क, और आज के इस ब्लॉग को हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी आप सामने की तरफ देख सकते हो तो ये कुछ यहाँ का एंट्रेंस गेट बना हुआ है। तो ये देखिए, यहाँ पर जुरासिक पार्क लिखा हुआ, और बाहर का आपको जनेश्वर मिश्र पार्क के बाहर का इस तरीके का शाम के वक्त का नज़ारा आपको देखने को मिल जाता है। काफ़ी क्राउड आपको इस पार्क में देखने को मिलेगा, मतलब जब आप पार्क के अंदर एंटर होंगे तो एंट्री टिकट 10 रुपये, और उसके बाद जैसे आप इंटर होते हैं गेट नंबर 1 से और गेट नंबर 2 से, जस्ट यहाँ पर सामने की तरफ देख रहे हो ये गेट नंबर 2 है, और इसी के सामने से जैसे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको सामने की तरफ देखने को मिल जाता है गाइस जुरासिक पार्क। तो आइए चलते हैं इस गेट से, अभी हम लोग इंटर हो रहे हैं, और भाई जैसे आप इंटर होते हैं तो आपको जस्ट यहाँ पर सामने की तरफ देखने को मिल जाता है एक छोटा सा डायनासोर। और भाई सबसे अच्छी बात इस पार्क की पता है क्या, कि ये पूरा पार्क दोस्तों वेस्ट मटेरियल से बनाया गया। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा पार्क वेस्ट मटेरियल से बनाया गया। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो भाई, ये है गाइस डायनासोर यहाँ पर बना हुआ, ये देखो। और जस्ट यहाँ पर लेफ्ट की तरफ आपको यहाँ पर टिकट काउंटर देखने को मिल जाता है, प्रति व्यक्ति टिकट जो है दोस्तों वो है दोस्तों 120 रुपये यहाँ पर, ये देखिए। तो आइए फटाक से भी हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर टिकट, और उसके बाद ये रही सामने की तरफ एंट्री वगैरह। और भाई ये देखो, यहाँ पर छोटा सा भी डायनासोर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है भाई, ये देखो। और उधर की तरफ भी काफ़ी क्राउड है, तो अभी हम लोग उधर भी चलेंगे, देखते हैं वहाँ पर क्या है। गाइस, अभी हम चल लेते हैं यहाँ पर टिकट लेने के लिए, बट हमने कहा टिकट लेने से पहले आइए आपको ये भी दिखा देते हैं, ये भी काफ़ी अच्छे, अगर आपके फैमिली में अगर बच्चे वगैरह तो उनको अगर आप यहाँ पर लेके आ रहे हैं तो उनको यहाँ पर डायनासोर की सफारी भी करा सकते हैं। गाइस ये देखो, यहाँ पर 20 रुपये लिया जाता है, तो जैसे अभी आप देख सकते हो तो इस तरीके की यहाँ पर सफारी होती है, मुश्किल से भाई 5 मिनट के लिए यहाँ पर बैठा लेते हैं, तो ये 20 रुपये इसका है। गाइस अगर कोई भी आपके फैमिली में अगर वो करना चाहे तो यहाँ पर आके डायनासोर की सफारी कर सकता है। तो आइए अब चलते हैं हम गाइस यहाँ से टिकट काउंटर की तरफ, अपना टिकट ले लेते हैं। 120 रुपीज़ पर पर्सन गाइस यहाँ पर टिकट रखा गया इसका। तो गाइस अभी यहाँ पर हमने यहाँ पर अपना टिकट ले लिया, 120 रुपीज़ का टिकट पड़ा, और ये जस्ट आपको यहाँ पर सामने की तरफ टिकट काउंटर देखने को मिल जाता है। तो आइए चलते हैं गाइस यहाँ पर टिकट वगैरह अपना चेक करा लेते हैं, और उसके बाद गाइस चलते हैं आपको घुमाते हैं ये भाई जुरासिक पार्क, भाई साहब लखनऊ का पहला जुरासिक पार्क। तो फाइनली गाइस हमारा यहाँ पर टिकट चेक हो चुका है, और जैसे आप इंटर होते हो तो भाई आपका भाई स्वागत होता है कुछ इस तरीके का भाई। ये देखो यहाँ पर सामने जुरासिक पार्क का यहाँ पर लोगो वगैरह बना हुआ, तो आप लोग यहाँ पर आके फोटोज़ वगैरह क्लिक करा सकते हो। और ये देखिए, तो गाइस जैसे आप यहाँ पर सामने की तरफ से इंटर होते हो तो आपको यहाँ पर गाइस सामने की तरफ पेड़ बाबा देखने को मिल जाते हैं गाइस, जिनका नाम है यहाँ पर पेड़ बाबा, और यहाँ पर उनके अंदर साउंड भी फिक्स किया गया, तो यहाँ पर आवाज़ें वगैरह भी काफ़ी आ रही है। तो आइए चलते हैं, ये मैंने आपको दिखाई दिया है गाइस यहाँ पर सेल्फी पॉइंट वगैरह जुरासिक पार्क, और ऐसे यहाँ पर आपको कई सारी प्रजातियाँ देखने को मिलने वाली है, देख सकते हैं इस तरीके का यहाँ पर है। तो अगर आपको भाई नाम वगैरह पता होंगे तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बाकी मैं आपको ये पूरा जुरासिक पार्क एक एक करके घुमाने वाला हूँ, क्योंकि भाई फर्स्ट टाइम मैं भी एक्सपीरियंस करने वाला हूँ। और भाई जैसे जैसे आप इन रास्तों में चलेंगे तो अगल बगल आपको पेड़ देखने को मिल जाएंगे, और ऐसे हट्स वगैरह छोटे छोटे देखने को मिल जाते हैं। तो आइए चलते हैं भाई, देखते हैं और भी क्या क्या देखने को मिलेगा भाई, ये पूरे पार्क के बीचों बीच में ये पार्क बनाया गया। और भाई ये देखो, यहाँ पर डायनासोर की एक और प्रजाति आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। यार सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या इस पार्क में, कि यहाँ पर जैसे ये डायनासोर की कोई प्रजाति है तो उसका भी कुछ नाम होता होगा, तो वो भी यहाँ पर मेंशन होना चाहिए था। और हाँ, शायद आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए LED यहाँ पर लाइट वगैरह
ये भी शायद फिक्स होना है, तो आने वाले टाइम में आपको यहाँ पर नाम वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। तो बाकी आप लोग ऐसे ही इंजॉय करिए गाइस। और दोस्तों जैसे ही आप आगे बढ़ते हो तो आपको भाई यहाँ पर ये देखो भाई कितना बड़ा डायनासोर देखने को मिलता है, और अभी इससे बड़े बड़े गाइस डायनासोर देखने को मिलेंगे। तो आइए चलते हैं। और भाई आपको बता दें जब यहाँ पर रात हो जाएगी, अभी तो शाम का वक्त है भाई, 6 बजने वाले हैं, तो रात में भाई साहब आपको यहाँ पर ये सब पूरी रोशनी रोशनी देखने को मिलेगी। मतलब जो लाइटिंग की गई, जैसे अभी आप सामने की तरफ देख रहे हो ना भाई, ये केव है, तो ऐसी लाइटिंग आपको पूरे उसमें देखने को मिलेगी जहाँ जहाँ पर भी डायनासोर वगैरह बने हुए, तो काफ़ी अच्छा रात के वक्त लगता है। और इसकी टाइमिंग वगैरह गाइस सुबह के 10 बजे से रात के 10 बजे तक है, तो अपना आराम से आइएगा। और मेरा कहना तो यही है कि आप लोग अगर रात में आते हैं शाम के वक्त भाई आइए 6 बजे, तब आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर लगेगा। तो गाइस ये देखिए यहाँ पर भी आपको भाई साहब डायनासोर की प्रजातियाँ काफ़ी सारी देखने को मिल जाती हैं। और भाई ये देखो यहाँ पर अंडे वगैरह भी बनाए गए, यहाँ पर ये देखिए इस अंडे से गाइस यहाँ पर डायनासोर निकल और काफ़ी अच्छा बनाया गया गाइस अगर आप देखिए। और वहाँ पर वो देखिए छोटे छोटे अंडे रखे हुए, मतलब वो अभी हाल ही में बनाए गए, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो अभी के हैं, ऐसा होता नहीं कि अभी वो निकल रहे हैं, तो इस तरीके का ये लोग तो काफ़ी निकल आए। तो ये कुछ आपको डायनासोर देखने को मिल जाता है। और भाई ये देखो यहाँ पर केव के सामने गाइस यहाँ पर 2 अंडे भी रखे हुए हैं, तो अगर आप लोग आ रहे हैं तो यहाँ पर फोटोज़ वगैरह अपना क्लिक करा सकते हो। तो आइए चलते हैं भाई इस केव के अंदर की तरफ और एक्सप्लोर करते हैं भाई इस डायनासोर पार्क को। तो भाई ये देखिए यहाँ पर इस तरीके की आप, ओ भाई क्या खतरनाक केव है भाई ये देखिए, और यहाँ पर CCTV भी लगे हुए हैं, तो डरने की कोई बात नहीं, बस ऐसे आपको चलते जाना है और दोनों तरफ आपको लाइटिंग वगैरह देखने को मिल जाएगी। तो आइए चलते हैं, निकलते हैं, देखते हैं इसके बाद का कैसा नज़ारा देखने को मिलता है। भाई ये देखो ये पूरी केव है भाई, ओ ये पूरी केव है भाई, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये देखिए। तो आइए चलते हैं धीरे धीरे भाई साहब, खतरनाक अमेजिंग एक्सपीरियंस है भाई इस केव का भाई ये देखो भाई। और ये आ गए हम लोग यहाँ इस केव से निकल के बाहर की तरफ गाइस, ये देखिए इस तरीके का आपको बाहर का देखने को मिलता है। ये देखिए यहाँ पर भी पेड़ वगैरह काफ़ी बने हुए हैं, और ये देखिए केव का एग्जिट गाइस आपको इस तरीके का देखने को मिल जाता है। और ये देखिए इधर भी यहाँ पर डायनासोर वगैरह है गाइस, और इसको बंद किया गया है, यहाँ पर कार वगैरह लगाई गई है। तो आइए देखते हैं किस लिए बंद किया गया है भाई इसको, कुछ अभी शायद, अच्छा सिर्फ अभी गाइस इनका सर है डायनासोर का। और भाई देखो भाई ये मूव कर रहा है भाई डायनासोर, ये देखो भाई ये भी देखिएगा यहाँ पर साउंड भी आ रहा है और ये मूव भी कर रहा है भाई, ये देखिए भाई। और इसको अभी यहाँ पर बंद किया क्योंकि अभी ये प्रॉपर तरीके से तैयार शायद नहीं है। तो भाई हमारे यहाँ पर भाई हैं जिन्होंने हमको एक चीज़ बताई है कि भाई इसको बंद नहीं किया गया है, एक जुरासिक मूवी भाई अगर आप लोगों ने देखी हो तो उसी को शायद यहाँ पर दर्शाया गया, यहाँ पर कार वगैरह रखी और पीछे डायना सॉर है, तो इस तरीके का है। तो आइए और भी चलते हैं, शुक्रिया भाई आपका ये चीज़ बताने के लिए। और आइए चलते हैं भाई सीधे और भी देखते हैं यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है हमको भाई। और गाइस आपको इस जुरासिक पार्क में यहाँ पर ये देखिए भाई चीता भी देखने को मिल रहा था, जो कि काफी भाई खूंखार लग रहा भाई यहाँ पर देख रहा, उसका मुंह खुला हुआ है, तो इस तरीके का आपको यहाँ पर चीता भी गाइस देखने को मिल जाता है। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भाई आपको जगह जगह पर हट देखने को मिल जाते हो, तो भाई ये देखिए यहाँ पर भी हट वगैरह बना हुआ है, तो आप लोग इस पर जाके फोटोज वगैरह क्लिक करा सकते हो। तो आइए चलते हैं गाइस धीरे धीरे हम लोग, और यहाँ से गाइस सामने की तरफ से रास्ता वगैरह बंद है, तो यहाँ पे देखिए छोटे छोटे यहाँ पर डायनासोर वगैरह बने हुए हैं, जो कि कुछ ड्रम के ऊपर भी यहाँ पर रखे हुए हैं, तो ये देखिए यहाँ पर काउजन डेंजर है, तो आप लोग ऐसे ही देख लीजिए, तो यहाँ पर ये सब आपको देखने को मिल जाता है। तो आइए अब चलते हैं हम लोग इधर की तरफ। ओ भाई ये देखो भाई यहाँ पर भाई साहब किंग कॉन्ग और गॉडजिला बनाए गए गाइस, ये देखिए भाई यहाँ पर किंग कॉन्ग और गॉडजिला आपको देखने को मिल जाता है भाई, कितना खतरनाक लग रहा है। तो भाई अगर आप लोग आ रहे हैं ना तो यहाँ पर फोटो ज़रूर क्लिक कराइएगा गाइस, ये देखिए। और पता है यहाँ पर अभी मेंशन नहीं है, ऐसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, अभी तैयारियाँ वगैरह चल रही, तो शायद यहीं पर नाम वगैरह मेंशन किया जाएगा। तो भाई ये देखो यहाँ पर किंग कॉन्ग और गॉडजिला आपको देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और दिन में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और रात में भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस पर लाइटिंग वगैरह काफ़ी अच्छी लग रही है। तो यहाँ पर आपको ये किंग कॉन्ग और गॉडजिला देखने को मिल जाता है भाई। तो आइए और भी चलते आगे की तरफ। अब तो भाई पूरे पार्क में यहाँ पर लाइटिंग हो चुकी है, तो अब ये पार्क काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइस। भाई ये देखो यहाँ पर भाई साहब डायनासोर यहाँ पर मूव हो रहा है भाई ये देखो, और जो इसके अंदर साउंड इफेक्ट निकल के आ रहे हैं ना भाई, वो तो एकदम नेक्स्ट लेवल पे है भाई। ये देखो भाई इस तरीके के आपको यहाँ पर डायनासोर देखो, और भाई वो देखो पूछ भी गाइस
हिल रही है बैक से यहाँ पर। ये देखो जो पूछ है भाई डायनासोर की, ये भी यहाँ पर मूव हो रही है भाई। ये देखो भाई कितना मस्त सा लग रहा है भाई, मतलब पूरा रियल लग रहा है भाई। अगर कोई दूर से देख ले तो उसे भाई पूरा रियल ही लगेगा। यहाँ पर देखिए पैर वगैरह सब मूव हो रहे हैं भाई, तो इस तरीके का है गाइस। तो यहाँ पर आपको काफी सारे डायनासोर गाइस देखने को मिल जाएंगे। तो आइए अभी हम लोग चल रहे गाइस इधर की तरफ, और भी भाई साहब देखते हैं और भी क्या क्या यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए चीजें हैं गाइस। ये वाला डायनासोर तो भाई साहब और भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है भाई, मतलब छोटा सा है और भाई इसमें जो साउंड इफेक्ट आ रहा है, और भाई अभी देखिएगा ये देखिए भाई कितना खतरनाक लग रहा है भाई, पूरा रियल लग रहा है भाई। ये देखो भाई एक नंबर का भाई डायनासोर यहाँ पर बनाया गया, और भाई ये सब पूरा वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है गाइस। ये सब जो आप डायनासोर देख रहे हैं तो ये सब गाइस यहाँ पर वेस्ट मटेरियल से गाइस बनाया गया, तो काफी अच्छा वर्थ है गाइस। 120 रुपए यहाँ के लिए गाइस वर्थ है। और गाइस आप जब इन छोटे छोटे पेड़ों से होते हुए इधर की तरफ आएंगे ना, तो भाई साहब आपको यहाँ पर ये देखिए भाई, ये पूरा यहाँ पर ट्री देखने को मिल जाता है जो कि गाइस वेस्ट मटेरियल से बना। और यहाँ पर ये देखिए भाई छोटे छोटे यहाँ पर आपको सिलेंडर देखने को मिल जाता है, और ऐसे यहाँ पर कई सारे वेस्ट मटेरियल जैसे लोहे का कबाड़ वगैरह होता है, तो उससे गाइस यहाँ पर इस ट्री को गाइस यहाँ पर तैयार किया गया। तो भाई आप देख सकते हो, और भाई अभी यहाँ पर बारिश वगैरह भी होने लगी, तो आइए जल्द से जल्द चलते हैं और भी चीज़ें यहाँ पर कवर कर लेते हैं, तो अगर बारिश होने लगेगी ना तो पूरा प्लान चौपट हो जाएगा गाइस। 120 रुपये हम लोग के चौपट हो जाएंगे। तो गाइस ये देखें यहाँ पर, और वो देखिए ईगल वगैरह भी गाइस वहाँ पर है जो कि भाई यहाँ पर वेस्ट मटेरियल से ही बनाया गया। तो भाई ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसकी मैं अभी एक फ़ोटोज़ भी लगा दे रहा हूँ, तो आप लोग देख लीजिए कुछ इस तरीके का भाई दिखता है वर्टिकल में भाई ये पूरा ट्री। भाई साहब ये देखो भाई इस तरीके का दिखता है भाई साहब, और चलते हैं ये देखते हैं इधर की तरफ भी क्या हम लोग को देखने को मिल जाता है। ये कुछ यहाँ पर बाउंड्री वगैरह बनी हुई, तो काफी अच्छा पार्क है गाइस। आइए चलते हैं गाइस इसके अंदर की तरफ, देखते हैं इधर की तरफ हम लोग को क्या देखने को मिलता है। ये कुछ यहाँ पर बाउंड्री वगैरह थी, और ये देखो यहाँ पर गाइस डायनासोर एकदम पास पे देखने को मिल गया भाई। ये देखो भाई यहाँ पर एकदम पास में डायनासोर है। ये देखो भाई, अरे गजब भाई साहब, मस्त एक्सपीरियंस है भाई साहब। ये देखो भाई अभी आएगा 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 डायनासोर। सेंसर लगे हुए गाइस इसके अंदर शायद। ये देखिए भाई, ये अभी देखिएगा भाई, ओ ये देखो भाई, ओह भाई देखो वो डर रहा है भाई यहाँ पर छोड़ू। तो ये कुछ लाइव भाई एक्सपीरियंस है गाइस डायनासोर का भाई साहब। ये देखो भाई, ये देखो भाई, ये देखो लोग कितना डर रहे हैं भाई, कितना डर रहे भाई। ये देखो यहाँ पर बच्चा रोने लगा, क्या हुआ छोटो? ये देखो भाई यहाँ पर डायनासोर से डर गया भाई। ये देखो लाइव डायनासोर, ओ भाई ये देखो भाई यहाँ पर, ये देखो ओहो भाई मस्त एक्सपीरियंस है भाई। ये अरे लड़ गया भाई, देखो डायनासोर का इसमें लड़ गया। ये देखो भाई, ये देखो, ओ भाई आएगा क्या लगता है? ये देखो भाई खोल दिया, ओ भाई ये देखो यहाँ पर लोग, ओ भाई काफी मस्त एक्सपीरियंस है भाई। अगर आप लोग आ रहे हैं तो भाई इस लोकेशन पर जरूर आइएगा, जो वेस्ट मटेरियल से यहाँ पर ट्री बना हुआ है उसी के जस्ट पीछे है गाइस ये डायनासोर भाई। ये देखो यहाँ पर काफी सारे लोग अपना मस्त एंजॉय कर रहे हैं गाइस, ये देखो भाई। तो भाई आप इधर की तरफ लाइव डायनासोर का मस्त मजा ले सकते हैं भाई, काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, जैसा कि अभी आपने काफी सारी क्लिप में देखा ही होगा। तो इस तरीके का आपको भाई साहब यहाँ पर एक्सपीरियंस मिलने वाला, और इधर की तरफ भी कई सारे आपको भाई प्रजातियां डायनासोर की देखने को मिल जाएंगे। बट यही है कि भाई यहाँ पर नाम वगैरह मेंशन हो जाए तो काफ़ी आसानी हो जाएगी लोगों के लिए। और ये देखिए इधर की तरफ यहाँ पर ये ब्रिज वगैरह भी बना हुआ है, तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आइए चलते हैं अब इसके ऊपर हम लोग। तो भाई जैसा भी यहाँ पर आप देख रहे थे कि यहाँ पर लाइव डायनासोर मैंने आपको दिखा हुआ था, और यहाँ पर वो डायनासोर जा चुका है, क्योंकि भाई अगर यहाँ पर जैसे पब्लिक रहेगी तभी वो डायनासोर आपको देखने को मिलेगा। हर 5 से 10 मिनट के बाद जैसे यहाँ पर काफ़ी सारी पब्लिक आ जाती है, तो आप इस डायनासोर का लुत्फ भी उठा सकते हो, और वो भी बिल्कुल फ्री में। जी हाँ दोस्तों, इसका कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। तो 5 से 6 लोग 10 लोग यहाँ पर रहेंगे तो वो डायनासोर खुद ब खुद बाहर की तरफ आ जाएगा। और ये देखिए ये रहा गाइस ब्रिज वगैरह, और ये देखिए छोटा सा यहाँ पर एक वाटरफॉल टाइप में भी बनाया गया जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। सोहो जोरासिक पार्क में 4 चांद लगा रहा है गाइस ये वाटरफॉल। ओ भाई ये देखो भाई यहाँ पर आपको देखने को मिलता है पूरे जोरासिक पार्क का भाई सबसे बड़ा डायनासोर। जी हाँ दोस्तों, ये देखो ये रहा गाइस यहाँ पर सबसे बड़ा डायनासोर भाई, जिसकी गर्दन आप देख रहे हो ना
मुंह कहाँ पे भाई, इतनी बड़ी गर्दन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो यही है गाइस जुरासिक पार्क का सबसे बड़ा डायनासोर। और इधर की तरफ ये देखिए, यहाँ पर कुछ सेल्फी पॉइंट्स वगैरह काफी सारे बनाए गए, तो यहाँ पर आपको काफी सारे चीजें देखने को मिल जाती हैं। और ये देखिए यहाँ पर सामने तितलियां वगैरह बनी हुई हैं, तो यहाँ पर अगर आप लोग आ रहे हो तो अपना फोटोज वगैरह यहाँ पर भाई क्लिक करा सकते हैं, काफी अच्छा। और वो देखो वहाँ पे उल्लू बैठा हुआ है गाइस, वो देखो वहाँ पर सामने की तरफ अगर आपको देखने को मिल रहा हो, तो इस तरीके का है गाइस यहाँ पर। ये देखिए ये पूरा एरिया काफी अच्छा देखने को मिल जाता है, और शायद यहीं से एग्जिट भी हो रहा है। तो आइए अब चलते हैं भाई, बहुत एंजॉय कर लिया इस पार्क में हमने। तो गाइस अभी आपको मैंने ये पूरा यहाँ पर भाई जुरासिक पार्क घुमा दिया, तो आइए अब चलते हैं यहाँ से, हम लोग एग्जिट करते हैं। और शायद एक बार एग्जिट करने के बाद दोबारा री एंट्री नहीं होगी। दोबारा भी री एंट्री है? अच्छा, एक बार अगर आपने एंट्री कर ली है तो भैया अंदर ही रहिए, बाहर ना जाइए जब तक आपका मन ना करे, ठीक है? अगर बाहर जाएंगे तो दोबारा एंट्री नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि आज के व्लॉग में आपने देखा, आज मैं आपको लेके आया था लखनऊ के जनेश्वर पार्क में, न्यूली ओपन जुरासिक पार्क में। तो ये पूरा पार्क मैंने आपको घुमा दिया भाई, ये पूरा 120 रुपए गाइस यहाँ पे वर्थ। और इसकी टाइमिंग सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक आप लोग इस पार्क में गाइस घूम सकते हो। और भाई साहब यहाँ पर जो मैंने आपको लाइव डायनासोर शो दिखाया हुआ था, वो उसका एक्सपीरियंस आप लोग जरूर करिएगा। हर 10 से 15 मिनट बाद वो स्टार्ट होता है, और उसका किसी भी प्रकार का टिकट नहीं है, तो उसका एक्सपीरियंस आपको काफी मजा देने वाला। तो अगर आपको ये हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो उस ब्लॉग को लाइक जरूर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।